गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट होम। दिस इज रेखा, योर हिंदी टीचर फ्रॉम ग्रेट हिसन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अ न्यू चैप्टर। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। क्या है पाठ का नाम? बहादुर बित्तो। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत सुंदर सुंदर नॉलेज प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे। देखते हैं इस बुक में क्या है। बच्चों, आज देखते हैं इस पार्ट में हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए। तो कहानी शुरू होती है इस प्रकार से। एक किसान था। ये कौन है? एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बित्तो। उसकी बीवी है, इसका नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में चल रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, क्या कहा? किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने क्या कहा? तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ, और तू अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। भूखों मतलब हम बिना बैल के हमारा कोई काम नहीं होगा और हम मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मतलब उसको उसकी डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तुझे शर्म आनी चाहिए कि तूने गाय को देने का वादा करके आया है। अगर गाय तू दे देगा शेर को तो घर में बच्चे दूध रोटी कैसे खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया उसे। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। यानी बित्तो की बात मानकर किसान कहाँ चले गया? शेर के पास गया। और डरते डरते उसने कहा, क्या कहा? शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। ये देखो, क्या लेकर आ रही? एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो इस तरह बित्तो घोड़े पर बैठकर एक उस शेर के पास चली जाती है। तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, पगड़ मतलब पगड़ी बांधी, और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। यानी उसने अपने सिर पर एक बड़ा सी पगड़ी बांधी, हाथ में दराती ली और घोड़े पर बैठकर वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चार शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इस तरह बित्तो ने एक बड़ा सा रूप बनाया, भयंकर रूप बनाया, मतलब उसने पगड़ी बांधी और हाथ में दराती ली और घोड़े पर बैठकर किसान के साथ वो खेत में पहुंची जहां पर क्या था? शेर था। और उसने बड़ी जोर से चिल्लाते हुए शेर से कहा, किसान से कहा, अरे किसान, तूने तो कहा था यहाँ पर चार शेर हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है। अच्छा कोई बात नहीं, इस एक शेर से ही मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, अपना आश्रय का कर लेती हूँ। इतना सुनते ही शेर डर के
मारे कांपने लगा। देखो कैसे डर के मारे कांप रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, और वह उसकी ऐसी बातें सुनकर भाग खड़ा हुआ। यहाँ देखकर बित्तो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, और भाग खड़ा हुआ। यहाँ देखकर बित्तो बोली, देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, मतलब उसको बहुत तेजों की भूख लगी थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ मत पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िए को बड़ी हंसी आई। वह सुबह झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। इस बार फिर कोशिश करके देखिए, एक बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर से किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। भेड़िए के समझाने पर शेर मान गया और शेर की पूंछ को उसने भेड़िए की पूंछ से बांध दिया। शेर और भेड़िए की पूंछें बंध जाने के बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, यानी अब। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्या कहा देखते हैं, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो देखा आपने कि किस तरह एक बहादुर महिला, यानी बहादुर बित्तो की वजह से उसके गाय और बैल दोनों की जान बच गई, दोनों बच गए। एक बार फिर से देख सकते हैं कि बित्तो क्या कहती है। जब बित्तो ने देखा कि शेर की पूंछ से भेड़िए की पूंछ बंधी हुई है और दोनों उसकी तरफ आ गए हैं, तो भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था ना कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही लाया है, बाकी शेर कहाँ गए, वो भी एक मरियल सा लेकर आया है। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या। इस वक्त यही सही, मतलब चलो इस वक्त हम एक ही शेर से काम चलाते हैं। शेर के होश हवास उड़ गए, मतलब शेर बिल्कुल भी ऐसा हो गया जैसे कि बहुत डर गया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसे समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखता चिल्लाता रहा कि अरे भाई मुझे क्यों घसीटते हुए लेके जा रहे हो, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी, तेजी से भागता चला गया। इस तरह दोनों शेर भागा तो उसकी पूंछ से बांधा हुआ भेड़िया भी उसके पीछे पीछे खींचता घसीटता हुआ चला गया, और इस तरह उस भेड़िए को भी काफ़ी चोटें आई होंगी। तो इस तरह किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा।
इस तरह की बित्तों और किसान को पता चल गया कि आपके आज के बाद भेड़िया और शेर कभी इसकी खेत की तरफ नहीं आएंगे। तो ये थी एक बहादुर महिला बित्तों की कहानी जो बहुत ही अच्छी थी। तो बच्चों आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड कर लेना आराम से, मैं इसकी पीके आपको सेंड कर दूंगी, आप इसको एक बार घर में आराम से पढ़ लेना। जो भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कहानी में कहीं कन्फ्यूजन हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जैसे कि किसान की बीवी का क्या नाम था, क्या नाम था? बित्तो। किसने कहा अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा? किसने कहा कि अपना बैल मुझे दे दे मैं वरना तुझे खा जाऊंगा? ये शेर ने किसान से कहा था। यह किसने कहा? शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? ये इसका आंसर, और मुझे आप बाद में रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इस पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप ही, कहानी जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप ही आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये थी इस बहादुर बित्तो की कहानी। यहाँ पर आज लेसन हमारा समाप्त होता है, कल क्वेश्चन आंसर के साथ हम फिर मिलेंगे और वहाँ पर मैं पूछूंगी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। मुझे आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे इसमें नॉलेज गेन किया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। थैंक यू।